श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर चंडीगढ़ द्वारा चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के परेड ग्राउंड में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है। आज ताड़का वध से लेकर सीता स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया। आपको बता दें कि इस कमेटी में बग्गा परिवार 1961 से रामलीला में किरदार निभाते आ रहे हैं। कमेटी के डायरेक्टर राजेंद्र बग्गा भी राम का किरदार निभा चुके हैं। इस बार की रामलीला में उनके बेटे गौरव बग्गा राम बने हैं। बग्गा परिवार कई अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आपको बता दें चंडीगढ़ की सेक्टर 17 रामलीला को देखने दर्शक दूर दूर से आते हैं। इस मौके पर जब हमने राजेंद्र बग्गा से बात करनी चाहिए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। अगर वो मिले तो वो भी हमारे जाएंगे। चलिए गुरुदेव। बनती है प्रभु श्री राम के लिए और लक्ष्मण के लिए। ये वो रूप है जो आने वाली रात्रियों में दशहरे तक आप देखेंगे। तो आज हम सबको सबकी निगाह से देख रहे हैं। आप कुछ उदास भी हैं, ऐसी क्या बात है महाराज? सामन जी, आज रात हमने एक बुरा स्वप्न देखा जिस कारण हम परेशान हैं। आज रात हमने बुरा स्वप्न देखा जिस कारण हम परेशान हैं। पृथ्वीनाथ, आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वप्न भी कभी सच्चे हुए हैं और फिर आप तो प्रजा को इतना प्यार करते हैं और इतना ख्याल भी रखते हैं। महाराज की जय हो, मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। क्या कहा, मुनि विश्वामित्र जी पधारे हैं? महामंत्री, आप स्वयं मुनि जी के स्वागत को जाए और उन्हें सम्मान पूर्वक। प्रणाम पिताजी। चरणजीव रहो मेरे बच्चों। प्रणाम गुरुदेव। कीर्ति भाव। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। बेटा, तुम दोनों इनकी रक्षा के लिए जाओ। कहिए मुनिवर, आप किस प्रकार की रक्षा चाहते हैं? सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके जो विचार थे उन्होंने कमेटी के आगे रखे, कमेटी ने प्रूव किया और ये मंच तैयार हो गया। उनके लिए जोरदार तालियां। बच्चों बैठ जाओ, देखिए। बस बस, मरने को तैयार हो जा। जो मुझे बुला दिया, मैंने तो इनको मार नहीं कसम खा रखी है। आया सर जहां जिसमें वो सब हमने उड़ा डाला। तुम्हारी हस्तियाँ उसकी मिट्टी में मिला डाला। आज को तुमने मारा है उसका बदला तुमसे लेंगे। तुम लेंगे खून तुम्हारा, हम नामो शान मिटा देंगे। वंश के चिराग हो, चांद में दाग हो सकता है, परंतु तुम बेदाग हो। अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मेरे आश्रम में चलकर मेरे मन को
जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ जल पान कीजिए। क्षमा करें मुनि, मुझे देर हो रही है, मुझे भी और भी पैगाम पहुंचाने जरूरी है। अच्छा मुनि, आज्ञा दीजिए। कल्याणम। उम्र भर कुंवारी रहेगी। यदि हमें पहले मालूम होता कि क्षत्रियों में वीरता ही नहीं रही तो हम ऐसी शर्त ही ना रखते। तेरे दरबार को खाकर खून में मिला दूंगा। खून टपके खून पर से, हर चरो दीवार से, आसमां को भी झुका दूंगा। तीर के वार से अदब गुरु का और भ्राता का है। इधर शरीर भुनर जाता है। मुझे क्षमा करना, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए अनुचित बाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। जियो बेटा जियो, साहस तुम्हारा भी कम नहीं, परंतु यह गन्ना या लिखने की कलम नहीं। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे तुम्हारी शान में फर्क आया हो। यह तुम्हारा भ्रम है कि महाराज जनक ने तुम्हें कायर और बुर्जिल ठहराया है। जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी वीरता में कैसे अंतर आया। हे राम, कहिए गुरुदेव। रघुकुल भूषण, अब किस बात का इंतजार है? जाओ,
धनुष का चीला चढ़ाकर महाराज जनक का संताप मिटाओ। निसंदेह तुम्हारी विजय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे नाम पर ही तय होगी। परंतु गुरुदेव नहीं है, आप तो केवल हमें स्वयंवर दिखाने लाए हैं। तो हम आपको आमंत्रित करते हैं, हम अपनी कलेसी बेटी को यूं मुरझाते हुए नहीं देख सकते। अब तो तुम्हें निमंत्रण भी मिल गया है राम। हुकम गुरुजी आपका, दशरथ चशम मंजूर। अब तक जो चुप रहा था मैं भी मजबूर। आशीर्वाद हो आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। अच्छा गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। विजय हो राम, हमेशा धर्म में बल है, जुमाने को दिखा देना। धनुषधारी किसे कहते, दुनिया को दिखा देना। ले तो तेरा आसरा, चला मैं करने कार्य। हे ईश्वर मोरी राखियो, हरी सभा में आज। रूप ने पाए न नैया, देखो मझधार में। सांप को देखता हे शेष, खैर धर के पृथ्वी को पकड़, कहीं पृथ्वी डोल ना जाए। आप करम देखा रावण से बलि रणदीप का, देखना है जोर बाकी है रघुकुल के वीर। ओ गुरु की गर दया, मनुष्य की क्या उमाल है। ओ कला कितना भी फूलों की कोमल डाल। सियापति राम चंद्र महाराज की। उन्नीस सौ इकसठ से बग्गा परिवार लगातार रामलीला में किरदार निभाते आए हैं। और आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में, जहां पर श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर चंडीगढ़ द्वारा रामलीला का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, भव्य तरीके से आयोजन किया जाता है। हम मौजूद हैं राजेंद्र बग्गा जी, जिनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजेंद्र बग्गा जी, जिस तरीके से रामलीला की बात करें चंडीगढ़ में, तो आपकी रामलीला कुछ अलग तरीके से होती है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि हमारी रामलीला कमेटी चंडीगढ़ में सबसे बड़ी रामलीला कमेटी परेड ग्राउंड सेक्टर 17, जहाँ पर लाइट एंड साउंड के द्वारा ये रामायण का दृश्य दिखाए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई रामला में पहले पर्दा होता है, बैक से प्रॉम्प्टर बोलता है, प्रॉम्प्टर की आवाज़ पहले आती है और आर्टिस्ट की आवाज़ बाद में जाती है। तो ये सभी चीज़ों को, प्रथा को हमने ख़त्म करने के लिए लाइट एंड साउंड बनाया, जो हमने 3 स्टेजों में कन्वर्ट किया है। 90 फुट की स्टेज, ये भव्य कार्यक्रम, जिसका श्रेय हमारे डायरेक्टर श्री सुरेश बख्शी जी और उनके साथ हमारे सुनील शर्मा जी, उनके बाद हमारे सारे पदाधिकारियों को जाता है, जिनके अंथक प्रयास के कारण आज हमारी रामला चंडीगढ़ तो केवल क्या पूरे ट्राइसिटी में ही एक भव्य प्रोग्राम कर रही है। मोदी जी, बात करें आपकी, तो आप भी रामलीलाओं में राम का किरदार निभाते आए हैं, तो आज आपके बेटे भी राम का किरदार निभा रहे हैं, आपके साथ हैं, तो क्या कहें? बग्गा परिवार 1961 से 3 पीढ़ियों से भगवान राम का अभिनय कर रहा है। पूरे 60 वर्ष हो गए हैं, 60 वर्षों में से इन्होंने 53 ईयर कॉन्टिन्यूस भगवान राम का अभिनय किया है। सर्वप्रथम मेरे स्वर्गीय पिता श्री सोहनलाल सोना जी ने, जिन्होंने 1961 में ये प्रथा स्टार्ट की थी, उन्होंने 1980 तक भगवान राम का अभिनय किया। उसके बाद अपनी रामला कमेटी के पदाधिकारियों ने न्यू चेहरे लाने के लिए कहा, जिसमें कि मुझे प्रभु श्री राम जी का अभिनय करने का मौका मिला। और मैंने चंडीगढ़ में सिल्वर जुबली तक 25 साल लगातार भगवान राम का अभिनय किया। उसके बाद कुछ काल मेरे बेटे ने बाल राम का अभिनय किया। 2013 में मेरे बेटा गौरव बग्गा ने प्रभु श्री राम का अभिनय किया। इस तरह 3 पीढ़ियां भगवान राम का अभिनय करती आ रही हैं, और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से हमें स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा नाम है और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। और मैंने 2 या 3 बार पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन दिया है, इस साल भी दी है। जब प्रभु राम की इच्छा होगी तो
तो ये पद्मश्री का अवार्ड भी हमें अवश्य मिलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जो कि श्री राम का रोल निभा रहे हैं गौरव बग्गा जी। गौरव बग्गा जी, जिस तरीके से आपके पहले पिता राम का किरदार निभा रहे थे, और अब आप, तो क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा, मेरी प्रेरणा तो मेरे फादर हैं राजेंद्र बग्गा, इन्हीं को देख देख कर हम बड़े हुए हैं, इनसे ही प्रोत्साहन मिला हमें। आज जो भगवान श्री राम की कृपा हुई है, आज हम इस गेटअप को कर रहे हैं। यहाँ पर इस कमेटी के भी सदस्य हैं, कुछ उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं सीनियर सेक्रेटरी हूँ सेक्टर 17 में हमारे हाउस है, और मुझे 45 साल हो गए रामलीला में देखते हुए, सांस देखते हुए कर रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र पाल सिंह है जी। रामलीला का भव्य आयोजन किया जाता है हर वर्ष, पिछले कोरोना काल की वजह से जो नहीं हो पाया कई जगह पे, तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ इतना ही कह पाऊंगा कि जो कोरोना काल आया था हमारे ऊपर, उसको हमने बहुत अच्छी तरह फेस किया, उसका सामना किया हम लोगों ने, और ये वर्ष हमें मिला है 2 साल बाद कि हम अच्छे से सबको रामलीला पर मंचन दिखा सकें, और हम दिखा भी रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सब बहुत अच्छे से इसको इससे सीख लें, इससे शिक्षा लें, और सब इसकी शिक्षा पर खड़े उतरे आगे सब चले। लक्ष्मण का किरदार काफ़ी अच्छा निभाया, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका जी? मोहित दत्ता। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जिस हिसाब से लक्ष्मण का किरदार है, एक बहुत ही क्रोधित किरदार है, तो उस रोल में आने के लिए हमें पूरा अपना वो गेटअप होती है, उसके लिए मेकअप होती है, और अपना जिस हिसाब से जो रामचंद्र जी का एक सेवक था लक्ष्मण, तो इस 10 दिनों पूरा एक हमें उसी रूप में अपने आप को, मतलब कि दिनचर्या में भी उस हिसाब से उसी अनुरूप ढाल लेना चाहिए। जय श्री देना चाहते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अपना ये रामलीला का मंचन हम करते आ रहे हैं, कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको इस राम जी के बारे में, रावण कौन था उनको नहीं पता, तो ये मंचन के द्वारा हम उनको बताया जा रहा है कि रावण कौन था, तो इसी तरह ये रामलीला जो है वो चल। मेरा नाम राम मिलन है जी। जी, आप मारिच का रोल करते हैं, कितने सालों से करते आए? मैं 1988 में इस कमेटी में आया था जी। पहले तो छोटे मोटे मतलब रोल करता रहा, जैसे जैसे आगे मतलब आर्टिस्टों की कमी होती गई, हम उसी हिसाब से अपना मतलब रोल बढ़ाते गए। हमारे डायरेक्टर साहब जिस रोल में कहते थे, हम उसमें हाजिर हो जाते थे, और अपनी पूरी कोशिश है आगे तक भी कि हम रोल करते रहें। हालांकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, पिछले साल हमारा पैर जल गया था, इस करके पिछले साल हम नहीं आ पाए थे, तो इस बार ही हमें कमेटी ने बहुत मदद किया था, हमारी जो कि भी हेल्प भी बहुत किए हैं, जो कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ दोबारा फिर से। मेरी आत्मा नहीं मान रही थी कि भी नहीं आने के लिए, लेकिन हमारे फिर भी प्रभु राम जी की तरफ से उनका आशीर्वाद मिला। काफ़ी वर्षों से आप रामलीला कर रहे हैं, कलाकारी कर रहे हैं रामलीला में, तो पहले की रामलीला और अब की रामलीला में क्या फ़र्क है? देखो जी, पहले की रामलीला जो होती थी, क्योंकि श्रद्धा और जो हम पर्दे पर दिखाते थे, वो कुछ बात अपनी आवाज़ से वो करते थे, वो कुछ बातें और होती थी, हमें भी हौसला होता था, उसी हिसाब से हमारा जोश चढ़ता था। अब हम कुछ समय से रिकॉर्डिंग वाली कर रहे हैं, उसमें भी जोर लगता है, और हम अपनी तरफ से पब्लिक को यही संदेशा देना चाहते हैं कि प्रभु का आदेश क्या है इस पृथ्वी पर आने का, उसको बुजुर्ग हो, भाई हो, बंधु हो, सबको ये पता होना चाहिए कि प्रभु का क्या उद्देश्य था, किस कारण इस पृथ्वी पर अवतार लिए थे, वो हम घर घर पहुँचाना चाहते हैं इसके द्वारा। बड़ा सवाल है, जीरकपुर में रामलीला के दौरान शराब का सेवन किया जा रहा था, जिसके बाद पर्चा भी दर्ज हुआ जीरकपुर में, तो ये भी रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। बग्गा जी, जीरकपुर में एक रामलीला की जा रही थी, जहां पर कलाकार द्वारा बियर का सेवन करते वीडियो वायरल होगी, उसके ऊपर पर्चा भी दर्ज हो गया है, रामलीला भी बंद हो गई है, तो इसको लेकर क्या? जो ये ऐसा कार्य कर रहे हैं वो रामलीला नहीं, राम का नाम नहीं लेते। हमारे यहाँ पर जैसे कि कोई तारका का दृश्य होता है, कोई भी ऐसा दृश्य होता है, वहाँ पर हम मदरा पान का सेवन नहीं करते, वहाँ पर कोक या ऐसा कुछ पदार्थ, जैसे कि वो मांस मदरा खा रहे थे, उसके लिए हम सैंडविच या ब्रेड पकौड़े लेके आते हैं, जिससे कि ये प्रथा, ये प्रभु राम का मंच खराब ना हो जाए। देख सकते थे ये तस्वीरें हम आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से दिखा रहे थे, चंडीगढ़ के और भी और जो रामलीलाएं हो रही हैं उन तक भी हम आपको पहुंचाएंगे, और वो भी उनके भी दृश्य दिखाएंगे। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी शशांक पांडे के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।